तुम मुझे बात बताओ, तुम क्या यहाँ पर खाना बनाने के लिए आई हो या फिर गिफ्ट्स बांटने के लिए आई हो? तुम क्या समझती हो खुद को? तुम सांता क्लॉस हो? और ये गिफ्ट किसने बोला तुम्हें लेने के लिए गिफ्ट? सर वो मुझे लगा रस्म है, आपको अच्छा लगेगा इसीलिए किया। रस्म? तो तुम यहाँ पर ये त्योहार, ये रस्म, ये सब सेलिब्रेट करने के लिए आई हो? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था सभी कि तुम्हें बेकार की चीजों में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। एक महीने में प्रीलिम्स है सभी, कॉलेज के एग्जाम के साथ साथ तुम्हें देश के सबसे मुश्किल एग्जाम की तैयारी भी करनी है। ऐसे करोगी तुम तैयारी? पूरियां तल कर। दो घंटे से तो तुम किचन में बैठी हुई हो, पूरियां तल रही हो, तो दूसरा पेपर कहां से अटेम्प्ट करोगी तुम? नहीं करनी पढ़ाई तो सीधा सीधा बोल दो ना, मैं कम से कम उम्मीदें नहीं रखूंगा तुमसे। घर के बाहर एक मेनू कार्ड लगा देता हूं, वही खाना बनाते रहना पूरा दिन। कॉलेज का कैंटीन भी संभाल लेना, दो चार पैसे भी कमा लोगी, है कि नहीं? बेस्ट स्टूडेंट थी तुम सभी, बेस्ट स्टूडेंट, फिर सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया तुमने। सॉरी सर, आई नो आप नाराज हैं मुझसे, सॉरी। क्या हुआ प्रतीक, क्यों बार बार फोन कर रहा है? क्या डैम, कहां पे? शिवाजी रुक, मैं अभी आया। सर क्या हुआ? सर ये क्या हो गया ईशान सर को, एकदम से चले गए, परेशान भी लग रहे थे, मुझे इनके पीछे जाना चाहिए क्या?